सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न ट्रेड पर बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 1100 से ज्यादा पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इस भर्ती के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या आयु सीमा होगी, क्या फीस होगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सभी मैंने डिटेल से एकदम बता दिया है वीडियो बनाकर। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पहले जाकर आप वह देख लें। या तो आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में जाइए, यानी फर्स्ट कमेंट पर जाइए, फर्स्ट कमेंट पे उसका लिंक दिया है, वहां से आप जाके देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हाई स्कूल पास अभ्यर्थी आई हुई विभिन्न ट्रेड पे ये जो वैकेंसी आई है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 1100 से ज्यादा पदों पर, इसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे आप फीस जमा करेंगे, सभी चीजें आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें अपने साथियों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके साथी देखें और वो अपडेट हो सके। इस पेज का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहां पर आने के बाद आपको करना क्या है साथियों, यहां पर सबसे पहले जब आप आएंगे तो यहां पर आपको ये हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, यानी कि ईमेल आईडी। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर आप इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं या हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी संपर्क कर पाएंगे। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, देख पा रहे हैं 1104 पदों के लिए यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ट्रेड भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, ये आपके यहाँ पर ट्रेड हैं और भी विभिन्न ऐसे ट्रेड हैं जिसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, आयु सीमा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सभी चीजें यहाँ पर भी देख पाएंगे। हाई स्कूल पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और सही से जानने के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए तो वहां पर वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 26/11/2019 से शुरू हुए हैं और 25/12/2019 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पे आप जैसे ही नीचे आएंगे कुछ और स्टेप टू के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, फिर यहां पर आगे भी कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, इन्हें आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद यहां पर आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहां पर टिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, यहां पर क्लिक करें तो जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो यहां पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से आवेदन कर लिया है और आपको प्रिंट चाहिए तो यहां पर आप प्रिंट करेंगे, आवेदन फॉर्म प्रिंट करें पर क्लिक करिएगा और यहां से आप आवेदन निकाल लीजिएगा, अगर किसी कारण से आपका आवेदन नहीं हो पा रहा है वहां से तो। ठीक है, तो हम चलते हैं आवेदन करने के लिए और यहां पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आप इस नए पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको आपकी पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक डिटेल से पूरा इसको फिल करते हैं और वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि गलती होने के बाद यहां पर आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे तो भी यहां पर कोई हेल्प नहीं की जा सकती अगर आपने गलती कर दी तो। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल लेटर में आपको अभ्यर्थी का नाम यहां पर टाइप करना है। उसके बाद यहां पर आप फादर नेम टाइप कर दीजिएगा अभ्यर्थी के, तो चलिए हम यहां पर फादर नेम भी टाइप कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, फादर नेम टाइप कर दिए हैं। उसके बाद यहां पर आप अभ्यर्थी के डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, तो हमने यहां पर डेट ऑफ बर्थ दे दे रहे हैं अभ्यर्थी, हमने ये डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी। फिर यहां पर सेलेक्ट करिए आप मेल है या फीमेल, उसके बाद समुदाय आपका कौन सा है, एससी एसटी ओबीसी, वो यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर आधार नंबर है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण हम यहाँ पर भर रहे हैं तो ये हमें ऑप्शनल यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है व्यक्तिगत पहचान चिन्ह, यानी कि आपकी बॉडी पर कोई ऐसा पहचान चिन्ह जैसे कि कट मार्क, टिन, कुछ भी होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है। मान लीजिए कट मार्क ऑन हेड है हमारे, तो हम ये ही पहले यहाँ पर आपको फिल करके ऐसे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछ रहा है व्यक्तिगत पहचान चिन्ह दूसरा, यानी कि दो आपको पहचान चिन्ह यहाँ पर देने ही देने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी देना है दोनों यहाँ पर व्यक्तिगत पहचान चिन्ह आपको। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईमेल आईडी आपको देनी है जो कि
कंपलसरी यहाँ पर नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं और आप चाहें तो इसे यहाँ पर दे भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी डाल दी है तो आप भी इस प्रकार से ईमेल आईडी दे दीजिएगा। 10 अंकों का यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ये आपका आवश्यक है, ये जरूरी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना अनिवार्य यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक अथवा सशस्त्र बल जो कर्मचारी होते हैं वो हैं, तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आर्थिक रूप से अगर आप विकलांग हैं, कमजोर हैं, तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विकलांगता का प्रकार भी यहाँ पर फिल करने के लिए तभी खुलेगा जब यहाँ पर आप यस कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद छोड़ देते हैं इसको। फिर यहाँ पर आगे आते हैं, आगे नेक्स्ट है यहाँ पर पत्राचार का पता। तो पत्राचार के पते में आपको यहाँ पर पूरा आपका एड्रेस लिख दे रहा है, मैंने केवल कानपुर लिख दिया है, आपको पूरा एड्रेस लिखना है, आपका विलेज जो भी हो, आपका पोस्ट, आपका जो भी जिला है, उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है, सभी चीजें यहाँ पर एक लाइन से आप लिखते चले जाइएगा। और नीचे आने के बाद आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा 6 अंकों का, ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पर दिखाया है आपको, ठीक है, इतना आप डालेंगे। उसके बाद आप और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आपसे मांगी जा रही है। शैक्षिक योग्यता में सबसे पहले आपको क्या भरना है, हाई स्कूल का बोर्ड, हाई स्कूल आपने कहाँ से किया है, किस बोर्ड से किया है, इस बोर्ड का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है, या स्कूल का नाम डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको कितने प्रतिशत अंक वहां पर हासिल आपको मतलब प्राप्त हुए हैं, कितने प्रतिशत वो अंक डालिए। फिर आपने आईटीआई कहाँ से किया है, उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पर आपको नाम डालना है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का जहां से आपने आईटीआई किया है। उसके बाद यहाँ पर कितने प्रतिशत आपने अंक पाए हैं आईटीआई में, वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है, किस ट्रेड में। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्ट अप्रेंटिस ट्रेड जिसमें प्रशिक्षण चाहते हैं, अब यहाँ पर आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है जिससे आपने आईटीआई किया है और जिसमें आप प्रशिक्षण चाहते हैं। मान लीजिए आप फिटर के लिए चाहते हैं तो फिटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे फिटर सेलेक्ट कर लेंगे या कोई और ट्रेड कर लेंगे तो आपके इधर साइड पे एक ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर लिखा है प्रशिक्षण के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की इकाइयों की प्राथमिकता। यहाँ पर आपकी जो इकाइयां हैं प्रशिक्षण के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की, वहां पर इकाइयां सेलेक्ट करनी है। तो ये देखिए इतनी इकाइयां दी हैं, आपको अपने अनुसार यहाँ पर इकाइयों को सेलेक्ट कर लेना है जो आपके आसपास एरिया में हो, उसके अनुसार यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभ्यर्थी सभी इतने समझदार हैं कि ये इकाई मेरे सबसे पास में पड़ेगी, ये यहाँ पर पड़ेगा, ये जगह मेरे यहाँ पर पास में पड़ेगी, तो वो अपने अनुसार सीरियल से आपको 8 ऑप्शन मिल रहा है, 8 ऑप्शन को यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा, किसी को मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे फोटो अपलोड करें, तो अब यहाँ पर आपको जो फाइल दिख रही है इस पर आपको सेलेक्ट करना है और आपको जाना है अपने डेस्कटॉप बोर्ड में और आपको अपनी फोटो इस प्रकार से सेलेक्ट करनी है जो कि यहाँ पर आपको इमेज दिख जाएगी, यानी कि फोटो दिख जाएगी। फिर अपलोड सिग्नेचर है, तो अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना रहेगा और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे और आपको पूरा विश्वास करिए कि कोई यहाँ गलती नहीं हुई है। जब आपको लगे कि कोई गलती नहीं है तब आप दोबारा नीचे आने के बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देंगे, जो ये कैप्चर कोड यहाँ पर दिख रहा है, तो इस कैप्चर कोड को हम यहाँ पर डाल देते हैं। और इस कैप्चर कोड को डालने के बाद फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे कि यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, याद रखिएगा ऊपर चेक करने के बाद ही सबमिट करिएगा। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप उसको सबमिट करते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सक्सेसफुली यानी कि रजिस्टर्ड हो चुका है और आपको साथियों यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लिख कर आ रहा है कि आप बैक जा सकते हैं अभी या प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म इस प्रकार से प्रिंट ऑप्शन पर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी फोटो शो करेगी, हमारा यहाँ पर सिग्नेचर शो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सिग्नेचर ही लगाया है, फोटो नहीं लगाया है क्योंकि एक डेमो फॉर्म है। तो इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे सेव कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पर, जिससे आप जब चाहें इसका प्रिंट ले सके, बाद में भी जब जरूरत पड़े आप इसका प्रिंट ले सकते हैं।
तो ऐसे आपको यहाँ पर इस फाइनल प्रिंट को प्रिंट ले लेना है। हमने SC ST कैटेगरी से फॉर्म को फिल किया है, इसलिए यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई भी फीस यहाँ पर देय नहीं करनी पड़ी है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को फीस यहाँ पर देय करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन से पहले फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वो अभ्यर्थी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से फीस को जमा कर पाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से फाइनल प्रिंट को ले पाएंगे। अगर आपको प्रिंट लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको वहां पर रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। अगर आप किसी कारण से प्रिंट नहीं ले पाते हैं और आप बाद में लेना चाहते हैं, तो होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा और आवेदन फॉर्म प्रिंट पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और इस कैप्चर कोड को डालने के बाद सर्च नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको फाइनल प्रिंट यहाँ से ले लीजिएगा। या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अपनी स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद प्रिंट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी अभ्यर्थी आसानी से प्रिंट ले पाएंगे और वीडियो पसंद आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए आगे भी इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।